Good morning, friends. So we are back with another topic. As you can see, the Harappan civilization. Basically, this topic is taken from class 6 social studies test. So let's begin. Harappan civilization. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था न्यूलिथिक एज के बारे में. न्यूलिथिक एज में हमने जाना था कि जो भी जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो रिवर के किनारे विलेज सेटअप करने लगे थे और वहां पे रहने लगे थे. ठीक है, क्या उनके दो ऑक्यूपेशन थे, या तो फूड प्रोड्यूस करना बाय एग्रीकल्चर और दूसरा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. ठीक है, ये दो काम थे न्यूलिथिक एज में. लेकिन आगे चलते रिवर बैंक पे बहुत सारे विलेजेस सेटअप हो गए थे, ऐसा हमने न्यूलिथिक एज में पढ़ा था. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, बहुत सारे जो विलेजेस थे वो जो हट बनाने लगे और नियर रिवर बैंक में रहने लगे. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जब अलग अलग तरीके के लोग एक सिविलाइजेशन में रहने लगे तो क्या हुआ, उसके कारण डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, अब जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ फैमिलीज जब हट अपना अपना बना के, घर अपना अपना बना के सब झुंड में रहने लगे, तो उसके कारण क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया. अब डिवीजन ऑफ लेबर से क्या समझते हैं, बेसिकली जहां पहले केवल फार्मर्स और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स चलता था, वैसे आगे भी चलते चलते कुछ पॉटर्स भी बन गए, वीवर्स बन गए. ठीक है, पॉटर्स मतलब जो पॉटरी का काम करते हैं, वीवर्स बन गए. ठीक है, जो क्लोथ से रिलेटेड काम करते हैं, और कारपेंटर्स और शूमेकर्स. ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, मतलब हर एक इंसान अलग अलग स्पेशलाइज, अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज था. कुछ पॉटर्स थे, कुछ व्यूअर्स थे, कुछ कारपेंटर्स थे और कुछ शूमेकर्स थे. ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, तो जब ये सब होने लगा डिवीजन ऑफ लेबर, तो हम इस एरा को कहते हैं, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन, बिगिनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन होने लगा. ठीक है, हो गया. तो बेसिकली अब हम जानेंगे व्हाट यू मीन बाय सिविलाइजेशन. अब सिविलाइजेशन क्या समझते हैं, सिविलाइजेशन एक ऐसा डेवलप स्टेज है ऑफ ह्यूमन सोसाइटी का, एक ऐसा डेवलप स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, डेवलप स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ठीक है, अब सिविलाइजेशन में जो काम था, जो सिविलाइजेशन और जैसे हमने पढ़ा था न्यूलिथिक और पैलियोलिथिक एज में थी, जो एलिमेंट में रहते हैं वो केव में रहते हैं. ठीक है, तो उनका मेन मोटिव क्या था, वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते थे. जैसे खाना चाहिए तो खाना खा रहे हैं, उनको फूड से क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, वो नेचुरल रिसोर्सेज ले. लेकिन सिविलाइजेशन में रहने का फायदा क्या था, सिविलाइजेशन में इज नॉट कीपिंग अबाउट सेटिस्फाइंग योर बेसिक नीड्स. सिविलाइजेशन का ये काम नहीं है कि आप अपने बेसिक नीड्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन उसका काम ये है अकॉम्प्लिश समथिंग मोर, उसका मतलब और भी चीजें आपको अकॉम्प्लिश करनी है. अब जैसे आज के जमाने में आप ये थोड़ी ना सोच रहे हैं कि मुझे बस खाना और रहना मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा तो आप सोच ही नहीं सकते. आपको क्या चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नए नए शूज चाहिए, नए नए क्लोथ चाहिए. ठीक है, तो वही सिविलाइजेशन का भी मतलब होता है. ठीक है, व्हेन मैन स्टार्टेड लिविंग इन सिटीज ही मेड क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस. प्रोग्रेस करने लगा. ठीक है, उस प्रोग्रेस क्या करने लगा, जो पहले वो हट में रहता था, अब वो ब्रिक्स ईटे के मकान में रहने लगे. ठीक है, उसके बाद फूड और प्रोड्यूस करने लगे. ठीक है, और फिर आगे चलते वो ट्रेड भी सीखने लगे, बार्टर सिस्टम से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब हम इतने गेहूं मतलब इतने किलो गेहूं दे रहे हैं तो आप इतने किलो गेहूं इतने किलो शुगर हमको दीजिए, तो ऐसे बार्टर सिस्टम भी शुरू हो गया. ठीक है, ओके, तो और क्या करा सिविलाइजेशन, उसके बाद आगे क्या, ही आल्सो लर्नड द आर्ट ऑफ राइटिंग. लिखने की क्षमता भी आ गई इंसानों में, लिखने लगे वो लोग. पहले जाते हैं, पहले पेंटर्स थे, दीवारों पर पेंटिंग बनाते थे, तो आर्ट ऑफ राइटिंग आने लगी. ठीक है, डिस्कवर मेनी मेटल्स, डिस्कवर कर लिए. ठीक है, रिलीजियस आइडियाज भी होने लगे कि हम मोनोलिथिक प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ लोग होते हैं पॉलीलिथिक. हाँ, पॉलीलिथिक प्रैक्टिस करते हैं, मोनोलिथिक मतलब एक भगवान को पॉलीलिथिक, पॉलीलिथिक मतलब बहुत सारे भगवान को पूजा करते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे रिलीजियस आइडियाज भी चेंज होने लगे. ठीक है, हो गया सिविलाइजेशन का मतलब. तो अब हम पढ़ेंगे ब्रोंज एज की तरफ. तो बेसिकली हमारा अगला टॉपिक है ब्रोंज एज. अब ब्रोंज एज क्या था, बेसिकली ब्रोंज एज था वो था बेसिकली जो लोग थे वो जो पीपल मतलब था जो ह्यूमन बींग्स थे वो टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए ब्रोंज मेटल, ब्रोंज मेटल उसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही इफेक्टिव मेटल्स, इफेक्टिव वेपन्स और टूल्स ब्रोंज से बन सकते थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, विद द डिस्कवरी ऑफ इट वाज यूजफुल, ब्रोंज से डिस्कवरी हुई, इट वाज यूजफुल इन कटिंग ट्रीज, पेड़ों में पेड़ों को काटना आसान हो गया। दूसरा, चॉपिंग नाइफ काम भी करने लगे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों को चॉप चॉप करके छोटे छोटे बाल में काटने लगे, और मेकिंग वेपन्स ब्रोंज का ये काम होने लगा। ठीक है, क्योंकि ब्रोंज जब हुआ तो तीन फायदे हुए, ट्रीज आसानी से काटने लगे थे, चॉपिंग आराम से होने लगी थी, और वेपन भी आसानी से बनने लगे थे। ठीक है, अब हम जानते नहीं कि ब्रोंज एज की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन माना जाता है कि जो ब्रोंज एज था वो शुरू हुआ था क्या कहते हैं 3500 BC में, 3500 BC बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 3500 BC में ब्रोंज एज का मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू ब्रोंज, ब्रोंज मेटल डिस्कवर हुआ था। ठीक है, और ये डिस्कवर करा गया था सुमेरियंस से, सुमेरियंस, ये सुमेरियंस ऐसे लोग थे जो कि मेसोपोटामियंस, ये सुमेरियंस कहां के थे, सुमेरियंस फ्रॉम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कहां था, इराक और ईरान में। ठीक है, जहां पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैसे ही एक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, और बहुत सारे सिविलाइजेशन थे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन स्थापित हो गया। ठीक है, तो उसमें से सुमेरियन जो थे उन्होंने ब्रोंज को डिस्कवर करा था, तभी ब्रोंज चल रहा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ी अर्लियर सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो पहला सबसे पुराना सिविलाइजेशन जो हमारा वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जो कि था बहुत पहले से आया 5000 BC, लेकिन आपको पता चलेगा जो सारे कोई भी सिविलाइजेशन थे वो रिवर के पास ही बनते थे। ठीक है, जैसे पहला सिविलाइजेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली बेसिकली हड़प्पा सिविलाइजेशन जिसको बोला जाता है, आगे आप और डिस्कस अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या इंडस के रिवर में फॉर्म हुआ था, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। दूसरा, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नियर अलोंग द नाइल रिवर, ये इजिप्ट में था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के पास। ठीक है, इजिप्ट में। तीसरा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है, इराक ईरान, ऑन द रिवर्स ऑफ यूफ्रेटस एंड टिग्रस, ये दो रिवर थे उसके किनारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ था। और आखिरी, चाइनीज सिविलाइजेशन अलोंग द वाइगो रिवर, चार सिविलाइजेशन थे, इंडस वैली, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। सबके रिवर बता दी, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां, नियर रिवर इंडस, दूसरा नाइल रिवर, तीसरा मेसोपोटामिया, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस रिवर, और आखिरी वाइगो रिवर। ओके, अब हम ये क्वेश्चन पे आपके आ रहा होगा कि बहुत सारे जो ये सिविलाइजेशन रिवर के पास क्यों बनते थे, क्यों प्लेन्स में नहीं बन सकते थे। हाँ, तो अब हम जानेंगे व्हाई सिविलाइजेशन फ्लरिश इन रिवर वैलीज, रिवर वैलीज के पास क्यों स्थापित होते थे। ठीक है, तो पहला क्या था, सॉइल वाज वेरी फर्टाइल एंड द वाटर वाज इजीली अवेलेबल फॉर देयर यूज। अब क्या हमारे जो ह्यूमन बीइंग थे वो उस समय खेती बाड़ी ज्यादा अच्छे से करते थे, तो जो रिवर के किनारे इसलिए स्टैब्लिश कर रहे थे, वहां पर सॉइल जो होगा वो फर्टाइल हो, फसल ज्यादा अच्छे से पकेगी। हाँ, नहीं मतलब पकेगी तो कैसे पके, मतलब आसानी से फसल का फसल क्या कहते हैं इसको, बेसिकली फसल प्रोड्यूस कर सकते थे, फीड बारिश पे जो भी फसल आसानी से नियर फर्टाइल ड्यू टू फर्टिलिटी ऑफ सॉइल दे कैन इजीली प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, और क्या, एंड द वाटर वाज इजीली अवेलेबल। ओके, तीसरा, दे गेट द फूड बाय फिशिंग, आप रिवर के किनारे कर रहे हो तो क्या फिश मिलेगी, आराम से खा लो। ठीक है, तीसरा, दे कुड मेक यूज ऑफ रिवर टू गो फ्रॉम देयर फूड एज़ वेल। अब जो रिवर का ये लोग यूज करते थे, बोर्ड बनाते थे कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये भी काम होता था। चौथा, द वैली हैड अ फार्म वार्म एंड प्लेजेंट क्लाइमेट, बहुत ही गर्म और प्लेजेंट क्लाइमेट रहता था, ऐसा नहीं ज्यादा ठंडी और ऐसा नहीं ज्यादा गर्म, आराम से ह्यूमिड रहता था वहां पे। ठीक है, ऐसे आज अगर इंडिया में देखे तो जैसे मुंबई ज्यादा से ज्यादा ठंडा रहता है और नहीं ज्यादा गर्म रहता है। ठीक है, तो ह्यूमिड रहता है, द कोल्ड वॉज सीवियर, नेवर सीवियर इन द वैली, कोल्ड सबसे ज्यादा ठंडक वहां पड़ती नहीं थी, आराम से मॉडरेट टेम्परेचर रहता। ठीक है, समझ गया आपको। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में। अब हमने पिछले पार्ट में देखा कि हमने पढ़ा चार टाइप ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर जो फोकस करता है वो फोकस करता है पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जिसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट सिविलाइजेशन, बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन।
अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो ऑरिजिनेट हुआ था 4700 साल पहले, ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो 4700 ईयर्स पहले ऑरिजिनेट हुआ था, ठीक है। इट वॉज नोन फॉर द बेस्ट, इट वॉज बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो दो नामों से बहुत ज्यादा अच्छा जाना जाता था। कौन कौन से दो नाम थे? पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये दो सिटी थे जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि हड़प्पा वाज़ द फर्स्ट टाइम टू बी डिस्कवर्ड, इसलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और मोहनजोदड़ो इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो का नाम था माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द डेड मोहनजोदड़ो का मतलब माउंट ऑफ द डेड इसको कहा जाता था, ठीक है, हो गया। तो बेसिकली 1921 में जब शुरुआत हुई तो हमारे जो डॉक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो थे डॉक्टर दयाराम सानी, ठीक है। तो दयाराम सानी से उन्होंने सिटी ऑफ हड़प्पा था उसको डिस्कवर कराना था, तभी हमारे बुक में पढ़ पाते हैं उन्हीं के कारण। तो इन 1921 दयाराम सानी जो थे उन्होंने हड़प्पा साइट डिस्कवर करी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है, हो गया। और इन्होंने कहा डिस्कवर करी फॉर सिचुएशन ऑफ बैंक ऑफ द रिवर रावी, आप जो इंडिया का मैप होता है उसमें पंजाब है, पंजाब का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे रिवर रावी, जैसे आप इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है जैसी भी आ रहे हैं याद करें झेलम खराब रवि ब्यास सतलज, पांच जेसी पांच ट्रिब्यूटरी है इंडस की। तो रिवर रावी के पास हड़प्पा पाया गया था, तो उन्होंने दयाराम सानी ने उसको डिस्कवर करा, ठीक है, हो गया। 1921 में दयाराम सानी ने हड़प्पा को डिस्कवर कर दिया। और 1922 में हमारे जो दूसरे डॉक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो थे बेसिकली कौन थे, वो आर डी बैनर्जी, 1922 में। तो आर डी बैनर्जी ने क्या करा, दूसरी सिटी मोहनजोदड़ो को भी डिस्कवर कर दिया। अभी मोहनजोदड़ो डिस्कवर कहां हुआ, ये सिंध में हुआ, सिंध मतलब आज के जमाने आज पाकिस्तान में वो सिंध पाया जा रहा है, सिंध जगह है वो पाकिस्तान में है, ठीक है, बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो उन्होंने ये डिस्कवर, लेकिन 1922 में डिस्कवर कर रहा था वो तो तब तो पार्टीशन हुआ नहीं था, पार्टीशन 1947 में हुआ था, तो तब तक जो पाकिस्तान था वो इंडिया में था, ठीक है, तभी उन्होंने मोहनजोदड़ो भी डिस्कवर कर दिया था, ओके। एज हड़प्पा मोहनजोदड़ो बिलोंग टू द इंडस वैली, ये दोनों साइट है वो इंडस वैली से बिलोंग होते हैं, ठीक है। ऐसा ना समझिएगा कि खाली यही दोनों साइट थी, ये दोनों साइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों डिस्कवर करी गई थी, ठीक है। हड़प्पा जो थी वो बहुत ही बड़ी साइट थी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर साइट थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, बहुत ही बड़ी साइट थी। और मोहनजोदड़ो में बहुत सारे जो मेटल्स थे वो ज्यादा पाए जाते थे, इसलिए जो दो फेमस जगह थी वो ये दोनों थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ऐसे बहुत सारे साइट थी पूरे इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान में जहाँ पे हड़प्पा साइट और मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन पाया गया था, ठीक है। कालीबंगन कोला कालीबंगन बेसिकली चौनहारो चनहारो बेसिकली बहुत सारी साइट थी जो हम पढ़े हैं, ठीक है। तो अब ये इंडस वैली के पार्ट है, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो रिवर इंडस के पास थी, इसलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता था, ठीक है, समझ गया। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पन कल्चर के बारे में, ठीक है। अब हाउएवर लेटर ऑन बिसाइड्स हड़प्पा मोहनजोदड़ो और अदर साइट्स ऑफ द एक्सकवेटेड, अब ये दोनों जब साइट डिस्कवर हुए तो अदर साइट्स भी डिस्कवर हुई, ठीक है। कौन कौन सी, रोहोबर एंड रखनीगिरी, रखनीगिरी इन पंजाब, रोहोबर एंड रखनीगिरी इन पंजाब, ठीक है, रोहोबर एंड रखनीगिरी इन पंजाब, ये भी आगे साइट डिस्कवर हुई दोनों साइट। फिर मेहगढ़ इन बलूचिस्तान, ढोलावीरा इन गुजरात, ठीक है, ढोलावीरा लोथल इन अहमदाबाद, कालीबंगन इन राजस्थान, बनवारी हरियाणा, कोटा बेल चौनहार इन पाकिस्तान, तो बहुत सारी साइट्स डिस्कवर हुई, ठीक है, हो गया। तो डिस्कवरी और हड़प्पा कैसे हुई, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट, पहली बार इंडस वैली जो रिकॉर्ड हुआ था वो दो ब्रिटिश इंजीनियर ने करा था इन द ईयर 1856, दो ब्रिटिशर्स आए थे, दो विदेशी आए थे, उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करना शुरू कर दी, ठीक है। ये लोग तो पैसे माउंटेड रूल्स इन द स्मॉल टाइम बिकॉज हड़प्पा वाज सिटी फाउंड रिकॉर्ड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो बाद में फिर उसके बाद आर डी बैनर्जी ने उसको डिस्कवर कर दिया 1912 में, ठीक है, 1922 में हो गया था डिस्कवरी। तो फॉलोइंग स्टूडेंट्स आप हम देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के कैसा सिविलाइजेशन था और उसके अंदर इंटीरियर्स कौन थे। तो पहला इंटीरियर हम देखते हैं द
सिविलाइजेशन जो बेसिकली सिटीज और टाउन थे वो बहुत ही टाउन प्लानिंग में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही इफेक्टिव टाउन प्लानिंग सारे जो सिविलाइजेशन के लोग थे उन्होंने करी थी बहुत ही अच्छी तरीके से। बिकॉज देयर वाज अ वेल प्लान्ड नेचर ऑफ द सिटी, बहुत ही वेल प्लान थी, कोई ऊपर नीचे एकदम वेल प्लान्ड, जैसे आज के जमाने जैसे आर्किटेक्ट ये नहीं कर पाता, उससे अच्छी प्लानिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग मानी जाती है। ठीक है, द सिटीज वर हाउ द हड़प्पा कल्चर वर केयरफुली लेड आउट, सिटीज बहुत ही अच्छे तरीके से लेड आउट थी। मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, दो पार्ट्स में टाउन डिवाइडेड थे, पहला लोअर टाउन और दूसरा सिटाडेल। ठीक है, ये दो पार्ट में पूरा सिविलाइजेशन डिवाइड था। ठीक है, लोअर टाउन क्या है, कॉमन मैन क्वार्टर्स, मतलब लोअर टाउन में जो कॉमन मैन थे वो लोग रहते थे अपना घर बना के। ठीक है, लोअर टाउन में क्या क्या चीजें थी, लार्ज असेंबली हॉल्स, ग्रेनरीज, ग्रेनरीज एंड ग्रेट बार। ठीक है, ये थे हमारे, अब ये तो बेसिकली लोअर टाउन में कौन थे, जो कॉमन पीपल थे वो लोग रहते थे। और जो सिटाडेल में क्या था, सिटाडेल में जो बेसिकली जो हायर क्लास थे, जो पंडित, कॉमन, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो कंट्री जो सिविलाइजेशन का रन करते थे वो लोग सिटाडेल में रहते थे। सिटाडेल में बेसिकली लार्ज असेंबली हॉल्स होते थे, ग्रेनरीज होती थी, ग्रेट बाथ होता था, तो ऐसे ऐसे तरीके तरीके बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वहां पे एस्टैब्लिश थी। अब बेसिकली जो ग्रेट बाथ था वो रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए काम आता था। ठीक है, ठीक है, इट वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। ये जो कि सिटाडेल बहुत मेन एपिल सेंटर ऑफ द सिविलाइजेशन, बहुत ही ऊपर माना जाता था, क्योंकि जो लोअर टाउन था वो क्या कहते हैं, बहुत ही जमीन से एकदम झुका हुआ था, और जो सिटाडेल था वो हाई सरफेस पे था। ठीक है, सरफेस पे था थोड़ा, मतलब वो ऊंचाई पे था, मतलब कैसे बताया, बेसिकली जैसे आप ऐसे जब गांव में निकलते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कुछ कुछ जैसे गांव होते हैं वो बहुत ही जमीन के किनारे होते हैं, कुछ जैसे होते हैं वो जमीन के बहुत ही ऊपर होते हैं, तो वैसे ही सिटाडेल था, वैसे ही लोअर टाउन है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब बेसिकली जो रोड्स थी वो एकदम स्ट्रेट थी, और आपस में जो रोड थी वो ग्रिड पैटर्न में थी। ग्रिड पैटर्न मतलब जो रोड थी वो हर जगह अपने राइट एंगल्स में इंटरसेक्ट करती थी, मतलब बेसिकली क्या है, ऐसे 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 जाती थी। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इंटरसेक्ट करती थी हमेशा 90 डिग्री पे, बहुत ही अच्छी तरीके से रोड वहां पे हमेशा ग्राइंड थी, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राइंड थी। दूसरा, हाउसेस कैसे थे वहां, अब हाउसेस जो थे वो अब हट के तो बने नहीं रहे, हाउसेस जो थे वो जले हुए पत्थर से, जले हुए जैसे ईटे आते थे, ईटा रखा है तो जले हुए ईटे से बनते थे हाउसेस। ठीक है, जो कुछ हाउसेस में किचन और बाथरूम भी होता था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस, कुछ हाउसेस डबल स्टोरी के भी होते थे, मतलब दो मंजिल भी कुछ हाउस होते, कुछ हाउस जो एक मंजिल का भी होता था, कुछ हाउसेस दो मंजिल, डबल स्टोरी और सिंगल स्टोरी भी हाउस होते थे। ठीक है, दिस ये हमें दिखाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज फुल्ली अवेयर ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, हेड बहुत ही अच्छी तरीके से अवेयर थे प्रॉपर प्लानिंग के, प्लानिंग थे। ठीक है, कुछ जो डबल स्टोरी बनाते थे, हर हाउस में किचन और बाथरूम होता था। ठीक है, बताइए उस समय 5000 साल पहले भी इतना लोग अवेयर थे अपने घर के लिए। ठीक है, हो गया। अब ड्रेनेज कैसा था वहां का, पिछली बार थी ड्रेनेज, अब कचरा वचर नहीं जाएगा वहां पे, हो गए तो ड्रेनेज था, मतलब पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक्सेप्ट बेसिकली हम टाउन प्लानिंग हटाते हैं और हाउस बनाते हैं, तो ड्रेनेज पैटर्न एक ऐसा पैटर्न था बहुत ही ज्यादा वेल इफेक्टिव था। ठीक है, वेल एस्टेब्लिश था, कैसे, एक्सेलेंट एंड वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम, हाउस ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू द स्ट्रीट। अब जो हाउस की जो ड्रेन्स थी, मतलब जो पाइप होती थी वो स्ट्रीट स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थी, मतलब जो हाउस से ज्यादा जो कचरा हाउस होल्ड ले जाता था वो बाहर स्ट्रीट में जाके मिल जाता था, बहुत ही अच्छी तरीके से लाइन कनेक्ट थी। ठीक है, जो जो स्ट्रीट ड्रेन कवर विद स्लैब ऑफ स्टोन, स्टोन से कवर करती थी। ठीक है, ताकि जो कि ड्रेनेज जो ड्रेन वेस्ट था वो इधर साइड ना आए, वो पत्थर से ऐसे ऐसे मतलब साइड साइड से पत्थर बने रहते थे और ये ड्रेन जाता रहता था। ठीक है, साइड साइड में स्लैब ऑफ स्टोन से कवर करता था ताकि जो कचरा था वो इधर ना आए, इधर ना आए। ठीक है, सिटी बनाता है। ओके, अब आ रहा है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ कहां पाया जाता था, ग्रेट बाथ जो था मोहनजोदड़ो में पाया जाता था, हड़प्पा में बेसिकली लोअर टाउन पाए जाते थे और मोहनजोदड़ो में सिटाडेल पाया जाता था, ग्रेट बाथ। हां भाई, सिटाडेल और ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ क्या था, ग्रेट बाथ बेसिकली रेक्टेंगुलर प्लान था, एक सर्कल बना था, बेसिकली रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल था, मान लीजिए मॉडर्न में स्विमिंग पूल समझ लीजिए उस समय था। ठीक है, इट इज द लार्ज स्विमिंग पूल। ठीक है, स्विमिंग पूल था और इसके चारों तरफ जो थे बहुत सारे कमरे और वॉशरूम थे, ताकि जो लोग थे वो अपना कपड़े वपड़े सब चेंज करते थे। ठीक है, हो गया। इट वॉज अ
लाइन ये जो बनता था ब्रिक से बनता था और प्लास्टर से ये पूरा अक्षर इसको तैयार करा जाता था ग्रेट बाग को, ठीक है। इट वॉज मेड वॉटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल टार, नेचुरल टार से यूज करते थे वॉटर टाइट से, ठीक है। देयर वाज स्टफ लिविंग इन द बॉटम लेयर फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, हो गया आपका, ठीक। तो क्या हुआ, इसके जो रेक्टेंगुलर टैंक था बेसिकली इसके चारों तरफ बहुत सारे कमरे थे ताकि जो लोग थे वो अपने कपड़े चेंज कर सकते चेंज करें, प्लेटफॉर्म्स रूम्स बहुत सारे चारों तरफ थे ऑन द अदर साइड, ठीक है। सो बेसिकली ग्रेट बाग की बात करते हैं कि रेक्टेंगुलर था पूरा उसके चारों तरफ कमरे, लेकिन जो ग्रेट बाग के जो वेस्टर्न पार्ट में अगर हम चलेंगे तो वहां पे ग्रेनरी था। ग्रेनरी क्या था, बेसिकली ग्रेनरी जो था वो क्या कहते हैं मैसिव ब्रिक प्लेटफॉर्म था उसका, बहुत ही ज्यादा ब्रिक प्लेटफॉर्म था, हाई पर बना रहता था। लेकिन द नोटेबल बिल्डिंग्स आर अबाउट द ग्रेनरीज, अब ग्रेनरीज में क्या रखा जाता था, बेसिकली देयर वर सिक्स ग्रेनरीज इन हड़प्पा, ठीक है। लेकिन ग्रेनरीज का जो काम था वो जो सॉरी जो ग्रेनरीज का जो ग्रेनरीज का जो काम था बेसिकली जो फसल वसल निकलती थी वो स्टोर करता था, बेसिकली एज अ यूज ऑफ स्टोरेज काम आता था फॉर प्रिजर्विंग ग्रेन, ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए ग्रेनरीज बनाई गई थी, ठीक है। अब जो ग्रेट बाग था बेसिकली हम लोग उसमें नहीं नहा सकते थे, जैसे हमने स्विमिंग पूल बोला, अब समझ लो ऐसे तो लोग नहाते हो नहीं, उसमें बेसिकली रिचुअल्स रिचुअल्स और रिलीजियस पर्पस के लिए ग्रेट बाग यूज करा जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज हम स्विमिंग पूल में कूद पड़े, नहीं, उसमें भगवान से संबंधित रिचुअल्स पूजा पाठ वो सब ग्रेट बाग में होता था, ठीक है, समझ गए आप लोग। सो स्टूडेंट्स हम पार्ट वन खत्म होता है, पार्ट वन में हमने देखा सिविलाइजेशन, व्हाट डू मीन बाय सिविलाइजेशन, हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, टाउन प्लानिंग, हाउसेस, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा पार्ट बनेगा वो फोकस करेगा बेसिकली लाइफ, पीपल की लाइफ कैसे होती थी, कैसे वो टाउन में रहते थे, इतने अच्छे वेल टाउन में रहते थे। तो इन द सेकंड पार्ट वी वुड लाइक वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ ऑफ द पीपल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अगर तब तक के लिए आपको पार्ट टू चाहिए, पार्ट टू चाहिए तो ये वीडियो देखिए, ठीक है, समझिए पार्ट वन। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट टू।